जी हाँ जी साक्षात जो है दर्शन दिए साहब को बोला मैंने कहा फोटो ले रहे थे मेरे ले लो फोटो जी साक्षात दर्शन दे रहे हैं। एक मिनट आ गया पंडित जी एक मिनट पंडित जी अब आप जाएंगे बताएंगे पंडित जी पहले तो मंदिर का आपका नाम ये शंकर भोले भगवान जी स्वयं दुधारी ओंकार रत्नेश्वर दुधारी हैं और यूं भी कह सकते हैं आप जगदीश्वर दुधारी हैं क्योंकि ये स्वयं ओंकार हैं। ये जलंकार विष्णु है, अनंत गंगा है, शेषनागी हैं, इनके पांच मुख यहाँ पर हैं, ये अनंत महादेव जी हैं, भूतनाथ वासुकी इनके भी पांच मुख आपको दिखाए यहाँ पर हैं, ये स्वयं चंद्रमौली आप देख रहे हैं, अरे भगवान सूर्य नारायण है और मुख भगवान नाग का है, इसलिए जो है ये स्वयं ओंकार दर्शन कर अनंत ओंकार है। इसमें विशेषता यही है इसकी जब ये जलधारा चलती है तो ये आपको नाग के रूप में स्वयं भगवान दर्शन देते हैं। अच्छा, आपकी जैसी जिस भक्त की भक्ति होगी वैसे भावना से दर्शन देते हैं, एक ही भी दे सकते हैं, दोनों भी दे सकते हैं, हर बात अपने नहीं भी देते। अच्छा पंडित जी जो ब्रह्म कमल यहाँ हम अर्पित करते हैं उत्तराखंड में, ये ब्रह्म कमल आपका यहाँ कहीं इस बेल्ट में है आपके ब्रह्म कमल? ये यहाँ नहीं मिलते, सिर्फ चौखंबा की जो जड़ है ऊपर कैलाश भुग्याल में, भुग्याल से भी ऊपर मिलते हैं। बद्रीनाथ में तो बहुत है? नहीं, बद्रीनाथ के भी आगे हैं। बद्रीनाथ मतलब मैं रास्ते में बद्रीनाथ के गया था ना, नहीं वहाँ कहीं कमल नहीं रास्ते में। अच्छा ये ब्रह्म कमल जो है ये ब्रह्म कमल बद्रीनाथ से भी ऊपर होता है। हाँ। मैं बद्रीनाथ में जा चुका हूँ पहले, आदमी कितनी, था कितनी हाइट पे मिलता है ये? हाँ ये तो हाइट का तो नहीं, लगभग लगभग अब ये लोग बुग्याल से खत्म, जब बुग्याल खत्म हो जाए तब मिलेगा ब्रह्म कमल, उसके बाद 12-13 से ऊपर ही मिलता है। अच्छा 13-14 से ऊपर। मंदिर को क्या हम बोलेंगे शंकर भगवान के? ये भगवान स्वयं जो है दुधारी ओंकार है जी, प्रभु ये स्वयं अपने आप में ओंकार है जी, इन्हीं जो जलंकार विष्णु है जी, उसके ऊपर शेषनाग जी और उसके और ऊपर चले जाए आप वासुकी शंकर अनंत ओंकार महादेव और ऊपर चले जाए भगवान जी के तो स्वयं चंद्रशेखर है और ऊपर देखें तो भगवान सूर्य नारायण साक्षात है। इसमें ये भगवान है, ये नीचे ऊपर सबसे ऊपर मुख किसका है? सांप का है, नाग का है, इसलिए हमारे इसको बोलते खीर समुद्र, खीर समुद्र, खीर समुद्र। हाँ इसको द्योरा ताल बोलते हैं, देवताल भी बोलते हैं, ताल देवताल ताल, यक्ष ताल, अनंत ताल, रत्नेश्वर ताल, कई नाम है भगवान के, कई युगों के अलग अलग हिसाब से नाम है। पंडित जी जो आपका जो ब्रह्म कमल आप चढ़ाते हैं ये ब्रह्म कमल मिलता है यहाँ कहीं? ये ब्रह्म कमल चोखल जो ऊपर चोखम आप देखेंगे द्योरा ताल से जी, उसकी जड़ के नजदीक मिलता है, उससे नीचे बुग्याल से भी ऊपर होता है। अच्छा। जहाँ बुग्याल खत्म हो जाता है और खरील खरील बोलते हैं जहाँ खाली पत्थर होते हैं, उन पत्थरों में ही जो है ये अपने आप ही जमता है भगवान का। ये भोलेनाथ का मंदिर का नाम क्या है पंडित जी? ओंकार रत्नेश्वर देवधारी द्योरा, ओंकार रत्नेश्वर देवधारी। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, जय बोलो। क्या हम बोलेंगे शंकर भगवान के? ये भगवान स्वयं जो है दुधारी ओंकार हैं जी, हैं प्रभु ये स्वयं अपने आप में ओंकार हैं जी, इन्हीं जो जलंकार विष्णु हैं जी, उसके ऊपर शेषनाग जी और उसके और ऊपर चले जाए आप वासुकी शंकर अनंत ओंकार महादेव और ऊपर चले जाए भगवान जी के तो स्वयं चंद्रशेखर है और ऊपर देखें तो भगवान सूर्य नारायण साक्षात है। इसमें ये भगवान है, ये नीचे ऊपर सबसे ऊपर मुख किसका है? सांप का है, नाग का है, इसलिए हमारे इसको बोलते खीर समुद्र, खीर समुद्र, खीर समुद्र। हाँ इसको द्योरा ताल बोलते हैं, देवताल भी बोलते हैं, ताल देवताल ताल, यक्ष ताल, अनंत ताल, रत्नेश्वर ताल, कई नाम है भगवान के, कई युगों के अलग अलग हिसाब से नाम है। पंडित जी जो आपका जो ब्रह्म कमल आप चढ़ाते हैं ये ब्रह्म कमल मिलता है यहाँ कहीं? ये ब्रह्म कमल चोखल जो ऊपर चोखम आप देखेंगे द्योरा ताल से जी, उसकी जड़ के नजदीक मिलता है, उससे नीचे बुग्याल से भी ऊपर होता है। अच्छा। जहाँ बुग्याल खत्म हो जाता है और खरील खरील बोलते हैं जहाँ खाली पत्थर होते हैं, उन पत्थरों में ही जो है ये अपने आप ही जमता है भगवान का। ये भोलेनाथ का मंदिर का नाम क्या है पंडित जी? ओंकार रत्नेश्वर देवधारी द्योरा, ओंकार रत्नेश्वर देवधारी। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, जय बोलो।